कोविड मामले के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल ने अपने बेटे समेत खुदकुशी कर ली है। आज सुबह 9:30 बजे घटना का पता चला। बताया जा रहा है कि मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में उनका और उनके बेटे का शव मिला है। बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और वे इस आरोप में जेल भी जा चुके थे। सीबीआई ने उनके बेटे से भी पूछताछ की थी। बंसल की गिरफ्तारी के बाद पत्नी और बेटी ने 19 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी। कहा जा रहा है कि बंसल पत्नी और बेटी की मौत से काफी दुखी थे। बंसल पर दवा कंपनी से 9 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। तो रिश्वत के आरोप ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पहले माँ बेटी ने जान दी और अब पिता बेटे ने। फिलहाल मामले की जांच जारी है।